बोलो अभी बोलो तो अभी क्या है कि जो शादी का ट्विस्ट आई थी दिस इज द बेस्ट इवेंट अभी तक नॉट बेस्ट आई थिंक नेक्स्ट बिग इवेंट अभी तक कुंडली भाग्य तो आई थिंक आपने जो पुनः देखा वो ये शादी होने जा रही है और करण जो है उनकी शादी का कार्ड जला रहा है तो करण कैसे रिएक्ट करेगा क्या करेगा और ये माइक गिरेगा या नहीं गिरेगा ये देखने के लिए देखते रहे कुंडली भाग्य 9:30 बजे से मैं भी यही जो स्वीकार वो सब कहना चाहूँगी कि कुंडली भाग्य ने 2 साल के इंतजार के बाद इंडिया की शादी हो रही है और वो किससे होती है वो अपना प्यार अपने प्यार का इजहार करण से करती है या नहीं यहाँ पर दोनों रियलाइज करते हैं कि प्यार के लिए टाइमली रियलाइज करते हैं सब देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा आई थिंक आई थिंक प्रीता तो अभी तक थोड़ी कंफ्यूज है कि वो किससे करना चाहती है माँ की बात सुने तो पृथ्वी से करना चाहती है दिल की बात सुने तो पता नहीं किससे करना चाहती है बड़ा रियलिस्टिक कैरेक्टर हूँ जब 10 लोगों ने आके बोला कि प्रीता गलत है प्रीता गलत है ना मैं भी मानूंगा कि प्रीता गलत है तो 10 लोग आके बोले कि प्रीता सही है तो मानूंगा प्रीता सही है लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो करण है कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हैं कि करण और प्रीता की जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर उनके किरदारों को लेकर वो बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग वो अलग लेवल पर है वो एक दूसरे को समझते हैं अलग भी हैं घर से निकाल भी रहे हैं तो आप देखा होगा कि आंखें नम है दोनों की अगर करण कर भी रहा है गुस्सा तो आंखें नम है पापड़ ले लें यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा पृथ्वी का सबसे पहला मकसद ये था कि वो दूसरा सबको बर्बाद करेगा और फिर हमने रिवील किया कि पृथ्वी को गीता से प्यार हो गया तो पृथ्वी को गीता से
अब बेटा से शादी कर लेता हूँ और उसे अपनी वाइफ बना लेता हूँ, तो वो भी उसका मकसद हो गया बेटा से शादी करने का। तो उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी सबको एक एक करके उसने अपने रास्ते से हटाया। और क्या चाहते क्या बस ये चाहता है कि गीता से शादी हो जाए और शादी के बाद वो दूसरा उसको बर्बाद करे। ले लो जाओ मेरी बहन ले लो,